दोस्तों वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी और मैं आपका दोस्त जतिंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर आई हुई प्रॉब्लमों के बारे में कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सीधा ही मैं फेसबुक क्रेज स्टूडियो के अपने पेज पे हूँ। आईटी स्पोर्ट का मेरा पेज है, ऑलरेडी मोनेटाइज पेज है, 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स है इसके। तो मैं सीधा ही मोनेटाइज वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने मोनेटाइज के ऊपर क्लिक कर दिया है, अभी पेज रीलोड हो रहा है। जैसे ही रीलोड होगा हम उस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। बेसिकली काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही है जो लोग फेस कर रहे हैं। तो आप देखे होंगे कि मुझे रिजेक्शन मिली हुई है मोनेटाइजेश के ऊपर। मैं सी मोर डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरी मोनेटाइजेशन के ऊपर। देखेंगे तो सबसे पहले तो इन स्ट्रीम ऐड और रील ओवर एड्स के ऊपर मुझे मोनेटाइज नहीं किया गया है कि मुझे इन दोनों के ऊपर इन्होंने एरर दिया हुआ है। अब पहली हम पढ़ेंगे इंस्टीम ऐड क्या है। लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट, वो कह रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो लिमिटेड ओरिजिनल है, वो पूरा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। तो ये उन्होंने इंस्टीम ऐड में कहा है। और रील ओवर एड्स में उन्होंने कहा है अन ओरिजिनल कंटेंट। अब अन ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आप अभी राइट नाउ डाल रहे हैं, वो अन ओरिजिनल कंटेंट है। वो किसी भी तरह का कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, वो आपका कंटेंट ही नहीं है जो आप डाल रहे हैं। अब चलते हैं सीधा ही हम अपने कंटेंट के ऊपर और मैं आपको अपना सारे का सारा कंटेंट दिखाने वाला हूँ कि वो ओरिजिनल है या अन ओरिजिनल है। तो मैंने सीधा ही कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो हम अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या डाला है जो जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ओरिजिनल है या ओरिजिनल कंटेंट है। देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो जो भी मेरा कंटेंट है वो मेरा अपना कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, वही वीडियो मैं फेसबुक पे डालता हूँ कि दोनों पेज इंटरलिंक किए हुए हैं। तो सारे का सारा कंटेंट या रील्स हैं जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो सारी की सारी मेरी अपनी है, मेरी वॉइस में है, वो मेरे ही क्रिएटिव लगे हुए हैं, थंब इमेज मैंने ही बनाई हुई है, सब कुछ मैंने किया हुआ। बट भी तब भी वो इसे अन ओरिजिनल कंटेंट कह रहा है। तो अब दोबारा से मैं मोनेटाइजेशन वाली ऑप्शन पे जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको बताऊँगा इसका सोल्यूशन क्या है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फेसबुक पे देखेंगे तो वो आपको यही बताते हैं कि सबसे पहले तो आप जाके उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कीजिए कि सर ऐसे ऐसे मैंने कोई गड़बड़ या गलत काम नहीं किया है जो कि आप बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सी मूव के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उन्हें दो बार रिक्वेस्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर अदर रिव्यू के ऊपर होती है तो यहाँ पे आपको देखी जाएगी। तो ये मेरे पास दो बार ही ऑप्शन आई थी, मैंने दो बार दे चुका हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे वो कहेंगे मेल कर दो, बात करो, जो मर्जी करो, आपका ये कभी भी ठीक नहीं होगा। उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। इसका एक ही सोल्यूशन है जो मैंने अभी तक देखा है, क्योंकि मेरा एक और पेज है जिसपे भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं उस पेज को भी दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ा सोल्यूशन इसमें यही है कि आप ओरिजिनल कंटेंट डालें, अपना ही कंटेंट डालें, अपनी वॉइस में ही कंटेंट डालें, जो भी डालें अपना डालें। तब ये आप लिमिटेड आप डालते रहेंगे एक महीने के अंदर, तो एक महीने के बाद दोबारा मैं इसी पे ऊपर वीडियो बनाऊंगा और ये दोनों ऑप्शन आपको आपको भी रेड दिखाई देनी है तो ये बिल्कुल ही उस टाइम ठीक हुई होंगी, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं मेरे उस पेज के ऊपर जिसकी पेज की मैं बात कर रहा था। मेरा एक पेज है आई लव चंडीगढ़ के नाम से, तो मैं उस पेज के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ। तो ऊपर ही सर्च कर लेते हैं। तो ये एक पेज मेरा आई लव चंडीगढ़ है, इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी जो कि मेरे आईटी स्पोर्ट के पेज में आ रही है। सेम मोनेटाइजेशन के ऊपर यही सेम चीज़ें लिखी गई थी, आपका कंटेंट नहीं है, आपका यूजर कंटेंट है। तो आप देखेंगे तो किसी भी तरह की मेरे में यहाँ पे किसी तरह की वायलेशन नहीं दिखा रहा है और मेरा मोनेटाइज बिल्कुल ही ओके है। किसी भी तरह का कोई भी इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने वही चीज़ यूज़ की है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलर वीडियो डालिए, अपने आवाज़ में वीडियो डालिए और अच्छी क्वालिटी में वीडियो डालिए, आपको ऐसी प्रॉब्लम आगे नहीं दिखाई देगी। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई इंक्वायरी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।